यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने साल 2000 से 2001 के बीच एक सर्वे कराया। इस सर्वे की रिपोर्ट साल 2004 में जारी की गई थी। इसके मुताबिक उस वक्त तकरीबन 7.32 करोड़ लोग शराब और ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, जबकि 87 लाख लोग भांग का इस्तेमाल करते थे, 625 लाख लोग सिर्फ शराब लेते थे और बाकी के 20 लाख लोग अफीम या अन्य नशीले द्रव्य का इस्तेमाल करते थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में ड्रग अब्यूज और एडिक्शन के कारण 3,647 लोगों ने आत्महत्या भी की है। USA के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज के मुताबिक एडिक्शन एक दिमागी बीमारी है। सीधे शब्दों में कहें तो एडिक्शन यानी कि लत एक बीमारी है जो आपके तंत्रिका मार्गों यानी कि न्यूरल पाथवेज में बदलाव से होती है और निश्चित रूप से यह इच्छा शक्ति की कमी, चरित्र की कमजोरी या नैतिक पतन नहीं है। फूड, सेक्स, वीडियो गेम्स, जुआ, अल्कोहल, शॉपिंग और ड्रग्स, इन सभी में से किसी भी शख्स को इन चीजों में से किसी की भी लत लग सकती है। एडिक्शन काफी हद तक दूसरी बीमारियों की तरह ही है, जैसे कि दिल की बीमारी। दोनों ही बुनियादी अंगों के सामान्य कामकाज को बाधित करती हैं और इनके गंभीर नतीजे होते हैं। इनको रोका जा सकता है और इनका इलाज भी किया जा सकता है, लेकिन अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो पूरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ साझेदारी में काम कर रहे help.org ने एडिक्शन को क्रोनिक डिजीज के रूप में परिभाषित किया है, जिससे दिमाग की संरचना और कार्य दोनों में बदलाव हो जाता है। एडिक्शन में एक जबरदस्त तड़प पाई जाती है और इस तड़प को अपनी सीमा से बाहर जाकर पूरा करना पड़ता है, जिसके कारण कोई शख्स पूरी तरह उस चीज पर निर्भर हो जाता है। उस चीज के संपर्क में आकर दिमाग फिर अच्छा महसूस कराने वाले डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है। इसके अलावा समय के साथ डोपामाइन किसी अन्य गतिविधि पर जिससे पहले आनंद मिलता था रिलीज होना बंद हो जाता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि व्यक्ति आनंद पाने के लिए अपने एडिक्शन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। मानो यही काफी नहीं है, समय के साथ नशे की वही मात्रा उतनी ही मात्रा में डोपामाइन रिलीज करना बंद कर देती है जितनी मात्रा में पहले डोपामाइन रिलीज हुआ करता था। इसे टॉलरेंस कहते हैं। इसी टॉलरेंस के कारण पहले जैसा आनंद पाने के लिए नशे की मात्रा को बढ़ाना जरूरी हो जाता है। किसी भी शख्स पर मादक पदार्थ का असर घटता जाता है, लेकिन आनंद के शुरुआती स्तर को पाने की उसकी ख्वाहिश कायम रहती है। जिस तरह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दिल को नुकसान पहुंचाती है, डायबिटीज पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही एडिक्शन दिमाग को नियंत्रण में कर लेता है। यह इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में बदलावों की एक पूरी श्रृंखला बन जाती है, जिसकी शुरुआत आनंद की पहचान और अंत बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार से होती है। एडिक्शन की शुरुआत करने में माहौल बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, लेकिन लत के जैविक कारणों को उसकी असल भूमिका की तुलना में कम वजन दिया जाता है। जैविक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जेनेटिक असमानताएं कुछ लोगों को एडिक्शन की तरफ धकेलने के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं और डॉक्टर भी इस बात से सहमति जताते हैं। कुछ लोगों के जैविक रूप से किसी लत का शिकार होने की ज्यादा आशंका होती है। इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की भूमिका अधिक होती है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, व्यवहार संबंधी समस्याएं, इंपल्स डिसकंट्रोल से ग्रस्त होते हैं या जिन्हें रोमांच का शौक, हाई ऑन सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर या एक्सपेरिमेंटेशन होता है, या फिर जिनमें एंजाइटी की प्रवृत्ति होती है, ऐसे लोग एडिक्शन का आसानी से शिकार हो जाते हैं। संभव है कि कुछ लोगों में एडिक्शन की संभावना इस कारण अधिक हो क्योंकि उन्हें स्वाभाविक स्रोतों से कम आनंद मिलता है, जैसे कि अपने काम, दोस्ती और रोमांटिक रिश्ते। शायद इससे समझा जा सकता है कि वो क्यों रोमांच चाहने वाले या उत्प्रेरक के प्यासे होते हैं। किसी में ड्रग्स के लिए जरूरत से ज्यादा संवेदनशीलता 40-60% तक जेनेटिक कारणों पर निर्भर करती है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की मौजूदगी और कच्ची उम्र एडिक्शन के खतरों को और बढ़ा देती है। हर शख्स क्यों अलग चीज का एडिक्ट होता है, इसका कारण हर व्यक्ति के मामले में अलग अलग होता है। इसमें साथियों का दबाव, ड्रग्स लेने की तीव्र इच्छा, बेहतर प्रदर्शन की इच्छा जैसे कि स्टडी ड्रग्स या एथलीट्स के मामले
में ड्रग्स का सेवन का मामला हो, या बेहतर महसूस करना जैसा कि एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस से जुड़े मामलों में के मरीजों की ख्वाहिश होती है जैसे कारण हो सकते हैं। मनोचिकित्सा में एडिक्शन को निर्भरता अर्थात डिपेंडेंस शब्द से निरूपित किया जाता है। मनोचिकित्सा में निर्भरता को कुछ यूं परिभाषित किया गया है, निर्धारित मात्रा की तुलना में बहुत अधिक दवाओं का इस्तेमाल, नशे की शुरुआत करने और उसकी मात्रा पर नियंत्रण खत्म हो जाना और इसके ज्यादा इस्तेमाल के कारण अन्य प्राथमिकताओं की उपेक्षा करना। वही मात्रा उतना ही आनंद नहीं देती, मादक पदार्थ के नहीं मिलने पर बेचैनी इत्यादि, ऐसे में समय के साथ इनका इस्तेमाल बढ़ता जाता है। रोजमर्रा के कामकाज में रुकावट आती है और जीवन की जैविक लयताल अव्यवस्थित हो जाती है, यानी कि जीवन का बॉडी क्लॉक अव्यवस्थित हो जाता है जिसमें सोने जागने का वक्त तक शामिल है। ऐसे शख्स के लिए भी जो एडिक्शन से उबर चुका है, बहुत आसान है कि वो उसी राह पर लौट आए जो तड़प उसे सबसे पहले इस दलदल में ले आई थी, उसे फिर से पलट कर लौटा लाने की ताकत रखती है। एडिक्शन के इस्तेमाल के उस दौर से जुड़ी कोई चीज जैसे कि क्रेडिट कार्ड, जिससे कि एडिक्ट शॉपिंग करता होता था, या अल्कोहल के मामले में शराब का ग्लास जिससे कि एडिक्ट शराब पिया करता था, कई सालों तक एडिक्शन से दोबारा दूर रहने के बाद उसकी शुरुआत करा सकते हैं। सारे एडिक्शन, चाहे इसमें मादक पदार्थ लिया जाता हो या शॉपिंग की जाती हो जैसी कोई अन्य गतिविधि शामिल हो, सैद्धांतिक तौर पर सभी एडिक्शन एक जैसे ही होते हैं। इनके पैटर्न में मात्र व्यक्ति परक अंतर और मादक पदार्थ से जुड़े अंतर ही होते हैं, फिर भी सभी व्यक्तियों में बुनियादी जैविक मैकेनिज्म में बदलाव एक जैसा ही होता है। मोटे तौर पर दो तरह के कारण एडिक्शन की तरफ ले जाते हैं। पहला, माहौल। इसमें सामाजिक माहौल, पारिवारिक पृष्ठभूमि, साथियों का दबाव जैसे कारक शामिल हो सकते हैं, और दूसरा जैविक, जैसे कि जेनेटिक संरचना, उम्र और यहाँ तक कि लैंगिक और जातीय कारण भी हो सकते हैं। एडिक्शन को एक क्रोनिक और आगे बढ़ने वाली बीमारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्रोनिक इसलिए क्योंकि जिसे एक बार किसी चीज की लत लग जाती है, उसे हमेशा दोबारा लत का शिकार होने का खतरा रहता है, और आगे बढ़ने वाली यानी प्रोग्रेसिव इसलिए क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये लत बढ़ती ही चली जाती है। एडिक्शन को चारित्रिक कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कोई भी जो एडिक्ट है वो समाधान ढूंढ रहा होता है, जिसका समय पर समाधान निकाला जाना अधिक महत्वपूर्ण है। असल में हम करते क्या हैं कि उस व्यक्ति को अलग थलग कर देते हैं, जिससे वो और भी अकेला महसूस करता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो एडिक्शन ड्रग अब्यूज और ड्रग डिपेंडेंसी जैसी समस्या का एक लक्षण मात्र है।